लोकसभा चुनाव का शोर थमा, लेकिन अब किस नेता को क्या अहम जिम्मेदारी मिलेगी इसकी चर्चा शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। एनडीए की सरकार में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उनके सेनापति कौन होंगे? राजस्थान से किसकी लॉटरी लगेगी? कौन मोदी की पसंद बनेगा और कौन उनके साथ 9 जून को मंत्रिपरिषद में शपथ लेगा, इसको लेकर अब चर्चा जोरों पर है। हालांकि राजस्थान में इस बार बीजेपी सभी 25 सीटों पर नहीं जीत पाई, इस लिहाज से मंत्रिपरिषद में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि जिन कुछ लोगों की लॉटरी लगेगी वो कौन होंगे। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान से चेहरों की बात करें तो कुछ हेवीवेट चेहरे मंत्रिपरिषद की दौड़ में आगे दिख रहे हैं। सबसे पहला नाम भूपेंद्र यादव का है। एनसीआर में शामिल अलवर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के साथ उनके दूसरे कार्यकाल में मंत्री के रूप में भी काम करने का अनुभव रखते हैं। भूपेंद्र यादव का नाम मजबूत माना जा रहा है, लेकिन इन्हीं बीजेपी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। लिस्ट में एक नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का भी है। शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों कार्यकाल में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, इस बार भी उनका नाम मजबूत है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी गजेंद्र शेखावत के नाम की चर्चा हो रही है। वही तीसरी बार के सांसद ओम बिरला का भी नाम मंत्रिपरिषद में मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का नाम भी शुमार है, लेकिन ओम बिरला और दुष्यंत सिंह दोनों ही हाड़ौती से आते हैं, इसलिए पार्टी के कुछ लोगों का मानना है कि दोनों में से एक नेता ही मंत्री बनेगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पिछले सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी एक संभाग से आते थे, लेकिन दोनों ही मंत्री परिषद में शामिल थे। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में साफ कह दिया कि मंत्री पद के लिए कई लोग लॉबिंग कर रहे हैं और कई इंतजार। उन्होंने सांसदों को साफ मैसेज देते हुए कहा कि अगर आपके पास कोई फोन आए तो भी उसकी अच्छे से पुष्टि कर लीजिएगा कि वह फोन सक्षम स्तर से तो आया है ना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।